हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। कोई सुनकर याद कर लेता है तो कोई बोलकर, कोई देखकर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंस का उपयोग करें तो फिर कैसा रहे? तो आज हम रैनबो 12th क्लास के लिए चैप्टर नेम और ऑथर के नेम को हम बिल्कुल आसानी से याद करेंगे और रटना बिल्कुल नहीं है। और ये जो है हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, इवन लाइन एक्सप्लेनेशन में भी हमारी हेल्प करेंगे। और इसे हम 3 तरीके से याद कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान, और मैं खुद इसे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहला जो मेथड है वह हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम करीबन 10 बार चैप्टर नेम और ऑथर नेम को लाउडली बोल कर पढ़ लेंगे और फिर शुरू करेंगे। और शुरू करते वक्त हम सिर्फ एक पोर्शन, यानी या तो चैप्टर का नाम या ऑथर का नाम सामने रखेंगे और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं प्रोज सेक्शन पे पहले करता हूँ। यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह महात्मा गांधी के द्वारा है। ओके, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर, जूनियर किंग या किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्नार्ड रसेल, द आर्टिस्ट, शिगा नोया, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मेन ग्रेयर, हाउ फ्री इज द प्रेस, दोर्थी एल सेयर्स, द अर्थ, एच ई बेट्स, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, ये आपका पॉल एस बक, अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकॉफ। ऑथर के नाम से भी हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम, मनोहर मालगांवकर, अ पिंच ऑफ स्नफ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम, बर्नार्ड रसेल, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एंड शिगा नोया, द आर्टिस्ट, जर्मेन ग्रिया, अ चाइल्ड इज बॉर्न, डोर्थी एल सेयर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस, एच ई बेट्स, द अर्थ, पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, एंटन चेको, अ मैरिज प्रपोजल। पोएट्री में चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, वॉल्ट विटमैन, टू ऑटम या और टू ऑटम, जॉन कीट्स, एन एपिताफ, वॉल्टर डी ला मरी, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी एस एलियट, फायर हिम, केकी एंड दारूवाला, स्नेक, डी एच लॉरेंस, माई ग्रांड मदर्स हाउस, कमला दास। अब पोइट या पोइटस के नाम से हम रिकॉल करेंगे चैप्टर के नाम को या पोएम को। जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डब्ल्यू एच ऑर्डन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जॉन कीट्स, और टू ऑटम या टू ऑटम, वॉल्टर डी ला मरे, एन एपिताफ, रूपर्ट ब्रुक, द सोल्जर, टी एस एलियट, मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट, केकियन दारू वाला, फायर हिम, डी एच लॉरेंस, स्नेक, कमला दास, माई ग्रांड मदर्स हाउस। अब अगर ऐसे करके हम MCQ बनाएंगे तो वो हमें बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में ये याद रहेंगे। और इसके साथ अब चलते हैं हम दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके में हम अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे। हमारे मोबाइल में रिकॉर्डर होता है, वहाँ से हम पहले चैप्टर नेम रिकॉर्ड करेंगे और कुछ समय देंगे ताकि वहाँ पे हम ऑथर का नाम बोलेंगे। और इसमें हम दूसरा तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑथर नेम को रिकॉर्ड करेंगे और चैप्टर नेम बोलेंगे। तो इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने अपने मोबाइल में इसे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, और मेरा मोबाइल जो है इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो उस कंडीशन में मेरे पास दूसरा प्लेयर है, मैं वहाँ से आपको चला कर दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर जूनियर किंग, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्नार्ड रसल, द आर्टिस्ट, शिगा नोया, अ चाइल्ड इज बॉर्न,
जर्मन ग्रेयर, हाउ फ्री इज द प्रेस, दोर्थी एल सेयर्स, द अर्थ, एची बेट्स, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक, अ मैरिज प्रोपोजल, एंटन चेकोव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच आर्यन, टू ऑटम, जॉन कीट्स, एन एपिटेफ, वॉल्टर डी लामर, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी एस इलियट, फायर हिम, केकी एंदारवाला, डी एच लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। अब राइटर के नाम से भी देख लेता हूँ, जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वॉल्टर डी ला मरी, एन एपिटाफ, केकी एंड दारू वाला, फायर हिम, पॉल एस बक, इंडिया टू ट्रेवलर साइड, बर्ट्रांड रसेल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम, एंटोन चेको, अ मैरिज प्रपोजल। अब हम तीसरा तरीका देखेंगे। तीसरा तरीका जो है, इसमें पूरे चैप्टर का नाम ऑथर के नाम के साथ हम अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए भी हम दो तरीका अपना सकते हैं। पहला जो तरीका है, इसमें जितने भी चैप्टर के नाम हैं, जैसे प्रोज चैप्टर्स जो हैं वो पूरे 11 हैं, जबकि पोइट्री चैप्टर्स जो हैं वह पूरे 10 हैं। तो ये 11 चैप्टर जो प्रोज सेक्शन के हैं, उन्हें हम पार्ट वाइज याद कर लेंगे। पार्ट वाइज कैसे याद करेंगे, इसे ग्रुप में यानी पार्ट में बांटेंगे। जैसे 5 चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, 11 चैप्टर हो गए। आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे आप 4-4 या 3-3 ऐसे करके, या 2-2 तो काफ़ी कम हो जाएगा, ऐसे करके हम बांट के इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ। इसमें पूरे जो हैं वह 11 चैप्टर हैं प्रोज सेक्शन में, जिसमें 5 चैप्टर को हम पहले लेके चलते हैं। पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये 5 चैप्टर हमारे हो गए, बचे 6 चैप्टर। फिर 6 चैप्टर को हम शुरू करते हैं, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, और अ मैरिज प्रपोजल। ये पूरे प्रोज सेक्शन के 11 चैप्टर हो गए। पोइट्री सेक्शन देखते हैं, 10 चैप्टर 5-5 में बांट लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, टू ऑटम, एन एपिटाफ, 5, द सोल्जर, मैकबिटी, द मिस्ट्री कैट, फायर हिम्न, स्नेक, माई ग्रांड मदर्स हाउस। तो ये 10 चैप्टर हो गए। ओके, इसमें जो दूसरा तरीका है, इसमें हम कोई ट्रिक्स भी बना सकते हैं। जैसे प्रोज सेक्शन के लिए मैंने ट्रिक्स बनाया हैबिट, HABIT। एच से 1 चैप्टर जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, ए से 3 चैप्टर, अ पिंच ऑफ स्नफ जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है, पहले एच से जो चैप्टर मैंने बनाया था हाउ फ्री इज द प्रेस, ये दोर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। ए से 3 चैप्टर, पहला चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर के द्वारा, अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रियर, और अ मैरिज प्रपोजल एंटन चेकोव। तो HABIT से 1 चैप्टर भारत इज माई होम, और यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, तो HABIT। आई से जो है यहाँ पे 4 चैप्टर, पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर जूनियर किंग के द्वारा, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्नार्ड रसेल के द्वारा, और इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई पर्ल एस बक के द्वारा। तो ये 4 चैप्टर हो गए। तो HABIT, टी से 2 चैप्टर, पहला द आर्टिस्ट शिगा नोया, द अर्थ एची बेट्स। तो ये हमारे प्रोज सेक्शन ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, और बिल्कुल हम रट नहीं रहे हैं इसे। आप इसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन रटने की टेंडेंसी नहीं लानी है, वो ये हमारे दिमाग में ऐसे ही स्टोर हो जाएगा। इसी तरह पोइट्री सेक्शन में भी जो मैंने ट्रिक्स बनाई है वो यह है, TMFANS, TM से ट्रेडमार्क,
एफ ए एन एस, यहाँ पर टी से दो नाम और एम से भी दो नाम, जबकि एस से तीन नाम और बाकी से वन वन जो है वह नेम आते हैं। तो पहला नाम जैसे हम टी से देखते हैं तो वह है टू ऑटम, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है, जबकि दूसरा जो नाम है द सोल्जर, ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। एम से मैकविटी कैट, जो टी एस इलियट के द्वारा, और दूसरा एम से जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यह जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो टी एम हो गया। एफ एफ से फायर हिम, जो के एन दारू वाला के द्वारा लिखा गया है। ए ए से एन एपिटाफ, जो वाल्टर डी ला मरी के द्वारा लिखा गया है। और एन एन से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डिन के द्वारा। और एस से जो तीन है, पहला जो है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह जॉन डन के द्वारा है। दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा है। और तीसरा जो एस से है वह स्नेक टी एच लॉरेंस के द्वारा है। तो ऐसे आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में जो है पूरे 11 चैप्टर हैं, प्रोज में पोइट्री में 10 चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया या कौन सा राइटर जो है कौन से चैप्टर को लिखा है, ये भी हमारे दिमाग में रहेगा। जब भी हम किसी लाइन को देखेंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे दिमाग में यह जो है पूरी तरह से आ जाएगा उस वक्त, और ये हमें पूरी तरह से याद भी रहेगा। इवन क्वेश्चन आंसर में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो राइटर से भी बिल्कुल याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइटर से जैसे अगर हम बोले केके एन दारू वाला, तो फायर हिम लिखा, जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वॉल्ट व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इधर देखें पल एस बक, तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, तो ऐसे बिल्कुल ये याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।